नमस्कार, मैं रंजना आप सभी को स्वागत कर रही हूँ रंजना चुना में। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका मनपसंद रगड़ा चाट। तो चलिए शुरू करते हैं रगड़ा चाट बनाना। रगड़ा चाट बनाने के लिए हमें चाहिए सफेद मटर, जिसे कि मैं रात भर पानी में सोख करके रखी हूँ, होल नाइट ये सोख होके है। अदरक लहसुन का पेस्ट, एक प्याज, हरी मिर्च, दो आलू, दो टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पत्ती, फेंटी हुई दही, फ्रेश दही, बारीक सेव भुजिया। तो चलिए सबसे पहले मटर जो हम सौंफ करके रखे हैं इसको अभी बॉईल कर देंगे। तो इसका जो पानी है इसको अभी हम फेंक देंगे। देखिए हमने सारे पानी फेंक दिए हैं, अब इसे कुकर में हम डालेंगे। हम इस वाले कप में एक कप मटर लिए थे। तो इसी कप में एक कप मटर लिए हैं, तो दो कप पानी देंगे हम। देखिए मटर से बस इतना पानी ऊपर होना चाहिए। तो हम पानी डाल दिए दो कप। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, डाल देंगे आधा चम्मच, नमक भी डाल देंगे, आलू हम जो लिए हैं आलू को हम छील के डालेंगे चने में। तो इसको हम इस तरह से छील लेंगे, इसके बाद धो के हम डाल देंगे। देखिए हमने आलू छील के धो दिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे कुकर में और अभी ढक्कन लगा देंगे। गैस चलाए। अब गैस पर अभी हम कुकर को लो मीडियम फ्लेम में इसको बॉईल करेंगे। कम से कम 4-5 विसिल तक बॉईल करेंगे इसको। तो इसको अभी हम लो मीडियम फ्लेम कर देते हैं। जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं तब तक हम प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। देखिए प्याज को अब बारीक बारीक काट लेंगे। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में काट लीजिएगा, या तो फिर आप चक्कू में भी काट सकते हैं। देखिए प्याज हमने काट लिए, बारीक बारीक काट लिए प्याज। अब हम हरी मिर्च को भी काट लेंगे। प्याज कट चुकी है, हरी मिर्च कट चुकी है, अब हम काटेंगे टमाटर। देखिए टमाटर भी हम बारीक बारीक काट दिए, क्योंकि अभी हम बाहर का चीज खा नहीं सकते और चाट जो है, पानी पूरी है, ये हम लोग का सबसे फेवरेट डिश होता है। तो क्यों ना हम घर में बनाएं और पूरा सब परिवार बैठ के हम खाएं। बाहर का तो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा, बाहर का चीज अभी मत खाइएगा। जब तक महामारी चल रहा है तब तक आप जितना भी हो सके बाहर का चीज आप खाना बंद करिएगा, घर में ही बना के आप खाइएगा। देखिए हुसिल हो चुका है मेरा, इसमें 2-3 हुसिल और लगेगा। तब तक मैं देखिए सब काट चुकी हूँ, मैं धनिया पत्ती भी काट चुकी हूँ, सब काट चुकी हूँ। देखिए चाट में जो पापड़ी लगता है, पानी पूरी का जो पूरी पापड़ी लगता है, तो उसको भी अभी हम घर में ही तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच मैदा। देखिए मैंने 2 चम्मच सूजी और 1 चम्मच मैदा लिए हैं। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको हम
कुनकुना पानी में इसको आटा जैसे डो लगाते हैं उस टाइप का हम डो लगाएंगे। डायरेक्ट इसको पानी को मत डालिएगा क्योंकि हमारा जो सूजी का डो बनाएंगे वो गीला हो सकता है। तो चम्मच में आप लेके थोड़े थोड़े आप डाल के इसको डो बनाइएगा। नमक मत डालिएगा, नमक डालने से क्या होता है हमारा जो पूरी बनता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, कुरकुरा नहीं होगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। देखिए हमारा चना जो है वो बॉईल हो चुका है, गैस बंद करेंगे अभी। इसको चम्मच में ही हम थोड़े थोड़े लेके इसका डो बनाएंगे। मैं सिर्फ 2 चम्मच सूजी का ही बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा सूजी ले सकते हैं, 6 चम्मच ले सकते हैं, 8 चम्मच, लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 चम्मच अगर सूजी ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच ही मैदा डालेंगे। देखिए ये डो को जैसे हम पूरी बनाते हैं, रोटी का जैसे आटा लगाते हैं, जिस तरह से हम लोग मसल के आटा को गूंथते हैं उस टाइप का इसको मसलना पड़ेगा अच्छी तरह से। ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं या ज़्यादा हार्ड नहीं। उसके बाद तेल लगा के उसको अभी हम 10-15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तुरंत हम इसका डो बना के तुरंत हम नहीं बनाएंगे, पानी पूरी का जो पूरी बनाएंगे हम तुरंत नहीं बनाएंगे। इस तरह से हम तेल लगा के ढक देंगे, अभी 10-15 मिनट ढक देते हैं, उसके बाद फिर हम तैयारी कर। चना हमारा बॉयल हो चुका है, अंदर का प्रेशर ख़त्म होगा, उसके बाद हम ढक्कन खोल के देखेंगे। जब तक हमारे कुकर का प्रेशर ख़त्म हो रहा है तब तक हम कढ़ाई बैठा लेते हैं और चाट का मसाला तैयारी कर लेते हैं। तेल डाल देंगे कढ़ाई में, तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज जो हम बारीक काट के रखे थे प्याज डालेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन करके फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होगा उसके बाद हम उसमें टमाटर डालेंगे। देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है तो हम इसमें हरी मिर्च जो काटे थे उसको डाल देंगे, इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। इसमें हम नमक भी डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर जल्दी गल जाएगा। तो ध्यान देके हम क्या चना में भी नमक दिए थे तो इसमें हम ध्यान से नमक देंगे, हल्दी भी डाल देंगे। हल्दी भी हम कम देंगे क्योंकि चने में हल्दी हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। अभी इसको हम ढक देंगे ताकि हमारा टमाटर गल जाए, इसको ढक देंगे अभी, लो मीडियम फ्लेम में ही बनाएंगे। बीच बीच में हम खोल के चम्मच चलाते जाएंगे। अब हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाए हैं उसको हम डाल देंगे अभी 1.5 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर भी हम 1/2 चम्मच डाल देंगे क्योंकि हम हरी मिर्च भी दिए हैं तो बहुत लोग तीखा पसंद नहीं करते हैं, तो तीखा को आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तेल छोड़ते तक इसको हम फ्राई करेंगे। टमाटर देखिए पूरी तरह से गल चुकी है लेकिन मसाला हमारा अभी फ्राई नहीं हुआ है। जब तक हमारा मसाला से ये तेल जब तक नहीं निकलेगा मसाला हमारा फ्राई नहीं हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से और फ्राई करेंगे हम। देखिए चना हमारा जो है बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, इसको अभी एक बाउल में निकालेंगे हम। देखिए चने से आलू निकाल लिए मैंने, इसको अभी चम्मच में इसको इस तरह से काट लेंगे क्योंकि चाट में तो आलू तो देते ही हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप आलू पसंद नहीं करते हैं तो सिर्फ खाली चने में ही आप चाट बना सकते हैं। हमने जो गरम मसाला लिए थे गरम मसाला भी इसी में ऐड कर देंगे, मिला देंगे चार सारे मसाले को।
देखिए तेल हमारा छोड़ने को आ गया है। ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे आलू। इसमें हम चना जो बॉईल किए थे उसको भी डाल देंगे। पानी हम ज्यादा नहीं देंगे, थोड़े से जो कुकर को धो के हम देंगे बस उतना पानी, ज्यादा पानी नहीं देंगे। पानी हमारा परफेक्ट है, थोड़े से ये बॉयल आ जाएगा उसके बाद फिर हम चाट बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए चने में हमारे बॉयल आ चुका है, हम गैस को अभी करेंगे बंद। चने में अभी हमारा इतना पानी है, ये पानी अभी सोख लेगा, तो इसीलिए हम इतना पानी रहेगा और चने को चाट जब बनाएंगे तो बंद करेंगे, क्योंकि पानी आलू और जो चना है हमारा सोख लेगा। पानी पूरी का, जो पूरी बनाने के लिए हम आटा बनाए थे, आटा हमारा हो गया 10-15 मिनट रेस्ट ले चुका, अब थोड़े से इसको मसल देंगे इस तरह से, इसको अभी हम पूरी बनाएंगे। हमारे चाट में हम पापड़ी देने के लिए इसको हम इतना छोटा छोटा लोई काटेंगे। गोल गोल कर देंगे सारे लोई को हम, सारे हम लोई को काट लिए। अब थोड़े से हाथ में तेल लेके इसमें मिला देंगे। आप मैदा में भी बेल सकते हैं, लेकिन मैदा में अगर करेंगे हम तो तेल हमारा खराब हो जाता है, तो तेल में करेंगे हम। इसको इस तरह से, ज्यादा पतला नहीं कि ज्यादा मोटा नहीं, अब चारों तरफ से ये बराबर बेलना चाहिए। तेल को एक बार हम लोग अच्छी तरह से गरम करके उसको फिर सीम में लो फ्लेम में उसको हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेल गरम हो जाएगा भी हमारा पूरी फूलेगा नहीं, कि ठंडा तेल में भी नहीं फूलेगा। इसी तरह सारे पूरी को हम बेल लेंगे। ये बनेगा हमारा चाट का पापड़ी। ये देखिए मैंने सारे पानी पूरी का पूरी को मैं बेल चुकी हूँ। अब तुरंत हम फ्राई नहीं करेंगे इसको, इसको थोड़े से हम गीला कपड़ा में इसको ढक देंगे, 5 मिनट बाद हम इसको अभी फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरा 5 मिनट पानी पूरी का पूरी रेस्ट कर चुका है, अब इसको अभी हम तलेंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसको हम लो मीडियम में कर देंगे और हमारा जो पूरी है उसको हम तलेंगे। को इस तरह से आप दबा दीजिएगा, पूरी हमारा फूल जाएगा। घर में भी आप पानी पूरी बना के आप सब परिवार के साथ आप खा सकते हैं, बाहर का तो अभी खाइएगा मत। देखिए इसको रेड ब्राउन तक हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए मेरा पानी पूरी बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे पानी पूरी को ये देखिए सारे पूरी मैंने छान लिए और सब पूरी मेरे फूले हैं। तो आप घर में जब भी पानी पूरी बनाइएगा तो आप इस टाइप का करिएगा, देखिए आवाज़ भी सुनेगा, क्रंची भी हुआ है। तो चलिए चाट बनाते हैं अभी। हम ले लिए चाट, चना सब्जी जो बनाए हैं उसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज के बिना चाट हमारी अधूरी है, प्याज डालेंगे। फिर डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च भी डाल देंगे, चाट मसाला, बारीक सेव,
फेंटी हुई दही, इमली चटनी, और हम जो पूरी बनाए थे उसको पापड़ी। अब इसके ऊपर हम देंगे धनिया पत्ती। देखिए गर्मा गर्म चाट बन के रेडी हो चुका है। जरूर आप घर में इसको बना के पूरा परिवार के साथ आप चाट का मजा लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन आप दबा देंगे तो नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।